पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने लक्ष्मीनगर के लवली पब्लिक स्कूल में गौतम कनेक्ट के जरिए आज महिलाओं से उनकी समस्याओं को सुना। ज्यादातर महिलाओं ने गौतम गंभीर को अपने क्षेत्र में पानी, सड़क और महिलाओं की सुरक्षा, पार्कों में इलीगल एक्टिविटी जैसी समस्याओं को अवगत कराया और सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि महिलाओं द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई हैं इन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और साफ पानी देने का वादा किया था, वह कहां गए। दिल्ली सरकार केवल झूठ बोलती है और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम भी करती है। कि यहाँ सारी ना महिलाएं थी और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी उनकी समस्याएं सुनी होंगी कि किस तरीके की उनकी समस्याएं, चाहे वो साफ पानी की समस्या हो, चाहे वो इलीगल एक्टिविटीज़ की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी की समस्या हो, ठीक है, ये काम, चाहे वो रोड्स की समस्या हो, ये सारी जो समस्या है ना, मैं यहाँ पर सांसद के नज़रिए से ज़रूर आया हूँ। पूरी कोशिश करेंगे कि उन महिलाओं की सारी समस्याओं को दूर कर सकें, लेकिन इसमें से जो 90% समस्या है ना, ये दिल्ली सरकार की है, ठीक है। रोड बनाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और साथ ही में जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं पार्क में, जिस तरीके की सीसीटीवी का प्रॉमिस किया गया था दिल्ली में कि हम पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरा से भर देंगे, कहाँ गए वो सीसीटीवी कैमरास। जहाँ वो साफ पानी की बात हुई थी कि हम हर घर में साफ पानी देंगे, कहाँ गया वो साफ पानी। कोशिश करिए, किसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलिए आए और महिलाओं की समस्याएं सुनिए, ठीक है। भाषण देना बहुत आसान है, एडवर्टाइजमेंट देना बहुत आसान है, 100 करोड़ रुपये हर महीना खर्च करना बहुत आसान है, और किसी दिन आइए महिलाओं के बीच में तब उसके पता चलेगी कि उनकी क्या सच्चाई है। पूछे 13,000 करोड़ रुपये जो MCD के देने हैं, जो 13,000 करोड़ रुपये अपनी शक्ल चमकाने के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए खर्च कर रहे हैं गरीब आदमी के, EDMC के पास इतना भी पैसा नहीं है कि कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके, मुझसे बेहतर कौन जानेगा EDMC को। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।